ये फोड़ दिया गया है यहाँ से और इसको कुछ करामात गाड़ी में। ऑलराइट गाइस, ये इसका जो सीधा हैंडल है ये ऐसे जब होता है, अभी ये सीधा है। दोस्तों आधे से डाइवर्जेंस कितना पावरफुल होता है वो आपने अभी यहाँ पर देख लिया होगा। अब देखते रहो बॉटम पकड़ा था भाई, बॉटम देख रहे हो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल भाई सभी के, आई होप बढ़िया होंगे। और आज है मंडे ट्यूसडे, आज है वेडनेसडे, वेडनेसडे का दिन है, पता नहीं चलते वीक में जब ट्रेडिंग करता है इंसान तो उसको डेज का पता नहीं चलता कब दिन निकलते हुए जाते हैं, और ऐसे ऐसे करके ऐसे हफ्ते इतनी तेज़ी से निकलते हैं। वेडनेसडे है आज, तो आज बैंक निफ्टी आई थिंक एक्सपायरी होता है, और बैंक निफ्टी और आज है कल देखना पड़ेगा, मंथली एक्सपायरी है शायद आज और कल, में पता करना पड़ेगा कि कब है वो चेक करेंगे। अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने रात भर कुछ सिस्टम देखा नहीं है, चार्ट वार्ट देखे नहीं, तो अभी देखूंगा। तो वेडनेसडे, अब भी कल हो जाता है थर्सडे, फ्राइडे को मैं ज़्यादा मेरा माइंड एक्टिव नहीं होता है ट्रेडिंग के लिए, तो एक ही दिन में पावर बचा हुआ है, तो वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, फिर उसके बाद सैटरडे संडे, फिर देखेंगे कहाँ जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल तो मैं जा रहा हूँ जिम, अपना वही वर्कआउट करने के लिए मॉर्निंग का, जो रोज़ का रूटीन है अपना। और आज अपन लोग क्या सीखेंगे वो पता चलेगा उसमें, आज की रील में आग जाके देखा करो रोज़ उस पर। और अभी फ़िलहाल वर्कआउट करता हूँ, फिर जाके जो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है उसको ट्रेड करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, वैसे मेरे को बैंक निफ्टी का एक्सपायरी ज़्यादा ट्रेड करने में मज़ा आता नहीं है, क्योंकि वो बैंक निफ्टी है और वो बैंक निफ्टी सबसे डेंजरस इंडेक्स है, जहाँ पर लपेटने के मामले में बात की जाए ना कि कैसे कैसे खाता है, तो सबसे डेंजरस इंडेक्स आपको बैंक निफ्टी है, हर कोई सीईओ करता है लेकिन मैं उसको बहुत कम करता हूँ। आपने देखा होगा मैं निफ्टी 50 और इसमें काम करता हूँ, लेकिन बैंक निफ्टी में बिल्कुल भी उतना एक्टिवली काम नहीं करता हूँ, बट मैं आज करूँगा, लेट्स सी क्या रहता है परफॉर्मेंस। फिलहाल करते हैं जिम। ओके गाइस, अपना जिम वगैरह हो गया है, आज मैंने जो वर्कआउट किया था, मेरा प्लान पहले था कि मैं वर्कआउट करूँगा शोल्डर का, फिर पेट का, फिर मैंने शोल्डर किया तो मुझे मेरे क्या जो है ना ये फोरआर्म्स, ये मेरे को वीक लगे, फिर मैंने शोल्डर के साथ फोरआर्म्स मार दी, फिर मैंने ये पेट वाला स्किप कर दिया। जो कमज़ोर है पहले उसको मजबूत करो, फिर ये आएगी। पेट तो मजबूत है ही, खाना पचा लेता है, बाकी इससे ज़्यादा क्या चाहिए क्यों। तो इसलिए मैंने आज वर्कआउट विदाउट प्लान किया कि मतलब शोल्डर और फोरआर्म्स, अब मैं कल मारूंगा पेट की और क्या बैग चेस्ट, पेट की और चेस्ट की मारूंगा, जो मन करेगा वो मारूंगा, कोई दिक्कत है नहीं। पर वो पेट की पड़ेगी कब, पेट की यार, पेट की एक्सरसाइज नहीं हो पा रही। अब एक दिन मैं एक काम करता हूँ, एक हफ्ता एक ही एक्सरसाइज मारता हूँ, पेट ही पेट, सिर्फ पेट, सुबह शाम पेट, रात को पेट, सुबह पेट, खाते हुए पेट, सोते हुए पेट, फुल फुल। और तुम्हारे देखो एक हफ्ते के अंदर जो ऐसी कटीली पेट आएगी ना, ओ नारियल पिलाओ। हेलो, तो फाइनली गाइस अपन नारियल पहले पी लेते हैं, देखो नारियल निकालने में फ्रेश नारियल निकाल रहा, फ्रेश नारियल पीता हूँ मैं, पुराना नहीं, जैसे पुराना नारियल आएगा आधे पिया हुआ नारियल वापस कर देता हूँ, नया दो पैसे नहीं मारता, पैसे पूरे देता हूँ, लेकिन फ्रेश नारियल चाहिए होता है, देखो काट रहा ना फ्रेश, ये है पिन्नी से भी निकाल रहा है, पिन्नी बैग नारियल दो पीऊँगा, पहला वाला कड़वा आया इन्होंने मेरे को दूसरा दे दिया, मेरे छोटे छोटे नारियल देख रहे हो, जितनी तारीफ करी थी उसने नारियल खराब निकला आज। ओके गाइस, मार्केट ओपन हो चुका है, और मेरे को एक चीज़ बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, बैंक निफ्टी के उसमें आज इसका एक्सपायरी आई थिंक आज है 29, हाँ आज ही, आज तक कितने देख लेता हूँ कितनी है, पहले कंफर्म कर लूँ मैं, नहीं मेरे को डेट वेट का भी याद नहीं रहता, 29 है, हाँ 29 की डेट है। अगर आप देखोगे तो ये जो बैंक निफ्टी है यहीं पे रुका पड़ा है, ठीक है अभी यहीं पे रुका है, और इसके जो प्रीमियम्स हैं ये देखना ये भी यहीं पे रुके हैं, लेकिन कॉल के प्रीमियम नीचे गिर रहे हैं, दबा के गिर रहे हैं, वो कॉल के प्रीमियम वहाँ थोड़ा सा ही बड़ा अजीब सा चीज़ देख रहा है मुझे, कॉल के प्रीमियम तेज़ी से गिर रहे हैं, पुट के प्रीमियम बड़े, मतलब कॉल के प्रीमियम गिर रहे हैं, पुट के प्रीमियम हिले भी नहीं है, देखो वहीं पे पड़े हैं सबके सब, सेम चीज़ यहाँ पर अपने को उसमें भी देखने को मिल रही है, यहाँ पर कॉल के प्रीमियम देखो, पुट के प्रीमियम ऐसी पड़ा हुआ मार्केट, तो देखते हैं आज क्या करता है। ओके गाइस, अपने को तो अभी ये जैसे मार्केट नेगेटिव हुआ है तो मेरे को एक रिवर्सल जैसा कुछ दिख रहा है, चांसेस है हो सकते हैं रिवर्सल के, कि PCR भी और RSI भी दोनों मेरे को रिवर्सल बता रहे हैं, ये देखना मैं आपको RSI दिखाता हूँ, ये देखो ये RSI है, इसी ने यहाँ से यहाँ लो लगा दिया, RSI में नहीं आया। दूसरा बैंक को भी अगर पकड़ेंगे, बैंक का भी अगर RSI देखूं तो इसमें RSI में भी, यहाँ के बैंक के RSI में भी कहीं ना कहीं एक डाइवर्जन जैसा तो है, यहाँ नीचे इसने लो लगाया बैंकर वाला ये, ठीक है तो ये अभी यहाँ पे आने दो, मतलब
थोड़ी देर वेट करके ये इस तरीके का कुछ मेरे को आज से दिख रहा है। देखो अब फिर अगर मैं एक और चीज देखता हूँ बैंक है, इसका PCR देख रहा हूँ, पुट कॉल रेशियो अगर देखो 0.60 चल रहा है समझो, और 0.50 मतलब तो फिर बहुत ही भयंकर, क्योंकि बैलेंस होना जरूरी है। ऊपर कॉल साइड सब बैठे हुए, सबके सब बैठे हुए ऊपर कॉल साइड में, 0.65 के बीच में पूरा रिवर्सल होता है मार्केट के अंदर, बहुत भयंकर रिवर्सल देखने को मिलते हैं। वही निफ्टी 50 के अंदर भी वही चीज मेरे को दिख रहा है, निफ्टी 50 का भी अगर PCR देखूं तो अपना 0.67, तो ये भी है, ये दोनों रिवर्सल की जगह पे हैं, लेके बैठ सकता हूं इसको ऐसे, देखते हैं क्या होता है। विक्स भी हमारा 24-24 पे आप बढ़िया, विक्स अगर अभी देखूं विक्स को ना, विक्स बढ़ रहा है नीचे आ रहा है मार्केट, विक्स बढ़ रहा है, विक्स अभी 25 के आसपास चल रहा है, तो विक्स अभी यहां से अगर हल्का सा भी कूल ऑफ होता है मार्केट रिवर्सल सीधा। अपने ट्रेड पोजीशन आपको बता देता हूं, ये दोनों जो ट्रेड्स थे मेरे स्कैल्पर मोड में लिए, स्कैल्पर मोड में बाय सेल किया, तो मेरे को थोड़ा सा ऐसा समझ में नहीं आता है, मैं इसलिए इसको छोटे मोटे लॉस काट के निकला हूँ, और इससे होता है मैं फिलहाल के लिए मेरा कोई भी ट्रेड अभी नहीं है। राइट गाइस, बुलिश ट्रेड बढ़ लिए यहाँ पे, कुछ यहाँ पे भरूंगा, कुछ यहाँ पे भरूंगा, इसमें भी कुछ 100 पे भरूंगा, कुछ 75 पे भरूंगा। देखो देखो यहाँ पर भी फिर भी मेरे को कॉन्फिडेंस है PCR में, यानी पुट कॉल रेशियो मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अभी आ रहा है, क्योंकि ऊपर से सब बैठ के 0.55 चल रहा है, रिवर्सल जोन होता है, इस रिवर्सल जोन से रिवर्सल आना तो चाहिए भयंकर वाला, यानी फर्स्ट हाफ तक गिरना चाहिए, सेकंड हाफ में आ जाए तो मजा आ जाए, देखते हैं क्या करता है बाजार। नहीं इस पर ऑर्डर लगेंगे, इस पर लगेंगे 9000 माइनस दिखा रहा है, इधर 0 मैंने ले रखा, कुछ ट्रेड इसमें लग चुके हैं, देखो 1000-2000 भी दिखा रहा है, बैठते हैं चलो पकड़ के। तो गाइस ये ट्रेड जो है अभी अपना 82-80 ऐसा कुछ चल रहा है, 13-12000 20000 दिखा चुका था ऊपर को, नहीं 20000 ही दिखा चुका, और ये भी मतलब 13-14000 भी 20000 के आसपास दिखा चुका है, 8-9000 भी आ गया वापस से, 10000 रुपए के आसपास दिखा रहा है, तो देखते हैं क्या करता है आज, बैंक निफ्टी जाना तो चाहिए। यानी तो इधर जो अपना लॉस है टोटल 12-13000 का लॉस दिख रहा है, 11-12000 बन रहा है, मतलब टोटल मिला के बन ही रहा है, जो बन रहा है ना सब बन ही रहा है, तो होना तो चाहिए इसने बुलिश यहाँ से 9 में तक तो जाएगा। अब मैं इस कैल्वर को मिल लिया तो इस कैल्वर में मूव आ चुका है, कहाँ तक गया था 75-77-78 हाँ 10% का मूव यहाँ तक दे देगा, तो एक बढ़िया कैंडल इसके ऊपर चाहिए हम अपने को, जिसको निकाल दे भयंकर तरीके से, देखते हैं। ओके गाइस, ये अपना प्रॉफिट कहाँ तक दिखाया था पता है आपको, 27-28 चल रहा है अभी, इधर तो ठीक है, कहाँ तक दिखाया था इसमें भी अपन ने बुक कर लिया है, और यहाँ रिवर्सल इसने मारा हुआ है, इसने अपना प्रॉफिट मेरे को यहाँ था 95 के आसपास दिखाया था, मैंने इधर 75 पे उठाया, 120 के आसपास इसने प्रॉफिट दिखाया था, अभी 31-32 दिखा रहा है, तो ठीक है देखते हैं इसको कितना है खींचता है, कैंडल निकलेगा तो बहुत अच्छा स्पाइक देगा, लेकिन ये फर्स्ट का स्पाइक ही बहुत बढ़िया इसने दिया था। राइट, तो ये हो गया अपना 9000-10000-8000 ऐसा कुछ यहाँ बन रहा है ना, तो अपना इधर बढ़िया 40000 के आस पास ने दिखा दिया था, और अगर आप उसमें अवेलेबल यूज मार्जिन देखोगे आई थिंक 192-193 ऐसा कुछ 168 लगा है उसमें, 198 के आसपास में था, 18-19000-21000 के आसपास ही बन रहा है। बट मेरा जो ट्रेड था इसको टाइम से बुक करना भी आना चाहिए, क्योंकि ये देखो यहाँ तक मारा इसने स्पाइक, होल्ड करने के चक्कर में ना मैं इसको क्या बोलते हैं मिस आउट कर दिया, और नहीं यहाँ तक बहुत अच्छे स्पाइक इसने मारा था। दोस्तों आज ऐसा डाइवर्जेंस कितना पावरफुल होता है वो आपने अभी यहाँ पर देख लिया होगा, अब देखते रहो बॉटम पकड़ा था भाई, बॉटम देख रहे हो गाइस, मार्केट हो गया बंद अपने को, मैं तो नींद जैसी आती, आज की क्लोजिंग आपको दिखा देता हूं, 3:38 हो गया एक मिनट पहले, इधर अपना आज की क्लोजिंग 35,000 इधर बना हुआ है, और क्या है ये रुको हाँ कहाँ हुआ है धन, इधर भी अपन को चुका था कि 35,000, और मार्केट आज कितना 1% नीचे आया, लेकिन बैंक निफ्टी के प्रीमियम में जो मजाल कुछ हो जाए आज कुछ भी नहीं होगा, यही तो हुआ था जो हुआ था थोड़ा बहुत स्पाइक, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक के मूवमेंट में कुछ नहीं हुआ, तो अपना पूरा का पूरा ऐसे ही पड़ा, पूरा साइडवेज मार्केट। आज तो नई गाड़ी भाई, देखो तुमको बहुत दिनों से सरप्राइज देना बाकी था, नई गाड़ी आ गई भाई और नई गाड़ी एज पर रिकॉर्ड पहले दिन, देखो पन्नी भी नहीं हटी है, पन्निया भी नहीं है उधर से वैसे पन्निया भी नहीं हट रही, पन्नी पड़ी है गाड़ी का पर ठीक है, अब तो पन्नी तो टड़ा यार, ये देखो ना ये गाड़ी थी जिसने नहीं ली थी उसने पहले दिन ठोक दी, मैंने उससे कह दिया, उसने मेरे को क्या बोलते हैं 30% डिस्काउंट पे तुरंत भेज दी, उसका दिमाग खराब हो गया, मैंने ले ली अब देखो पहले दिन ही नहीं गाड़ी पन्नी नहीं हटी है। हाँ आंटी ये 15 लाख अच्छा आज गाड़ी के तो फैन है सब है फैन है, लेकिन ये ठोक दिए फोड़ दिया गया है यहाँ से, और इसको कुछ करामात गाड़ी में, यानी
अब हमने मैंने आपको कुछ पुराने व्लॉग में बताया था ना कि ये गाड़ी किसके द्वारा ली गई है, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ किसके द्वारा ली गई है। इसके द्वारा ली गई है है ना। तो अपने क्या होते टीम में अपना जो मैनेजर है वो थार गाड़ी लेके घूम रहा है, और पहले दिन उसने थार को फोड़ फाड़ दिया। ठीक है, तो अभी फाइनली मेरे हाथ पर आई है, कुछ दिन में देखता हूँ उसको कैसे करे जाए। तो कुछ टाइम पहले मैंने बोला था कि हाँ यार अपने पास तो टीम में ऐसे बंदे तो गाड़ी ले रहे हैं, तुमने ले भी ली। ठीक है, तो अभी यहीं पे खड़ी है। तो अगर कोई सोचा मेरी है तो मेरी नहीं है, मेरा अपनी ही है, समझ लो आप, मेरी नहीं बस अपनी ही है नहीं तो अपनी ही है। तो फिर ये चलेगी फिर अब, है ना, क्योंकि नई गाड़ी आ रखी है, पिन्नी पैक गाड़ी आ रखी है। और आपको बता दूँ ये कौन सी है, वो वाली है ना, रे रियल व्हील वाली है, इसमें लिखा हुआ कहीं पे ये लिखा। ये मेरी भांजी कितना हल्ला करती है, ये काम फट गया था पूरा, बैंड हो गया, और गड्ढे में डाल दिया ना तुमने। हाँ, साइड में डिवाइडर पे हमारी गाय आ गई। अच्छा, गाय को बचाने के चक्कर में पत्थर नीचे गया सीधे, डिवाइडर इतना बड़ा डिवाइडर था सीधे नीचे। तो पूरी मार दी है, तो चलो मैं इसी को चला के ले जाता हूँ। चल तो दिए ना, तिरछा जा रही है वो, कहाँ लाएगा उसको, मतलब तिरछा, मतलब तिरछी भाग रही है। अरे मतलब हैंडल से कंट्रोल हो रही है ना। हाँ, कंट्रोल हो रही है, चला। ठीक है, कंट्रोल हो रही तो फिर तो चलाऊँ, लेकिन पिन्नियाँ इसके अंदर चढ़ी हुई है, तो इसके अंदर की पिन्नी ना एक बार को पिन्नी अंदर से निकालनी पड़ेगी। तो उससे थोड़ी सी छोटी छोटी ऐसी लग रही है, छोटी छोटी। हाँ, उससे थोड़ा नीचे है ना, थोड़ा उससे नीचे है ना, उससे थोड़ा पता नहीं है, पता नहीं यार, ऐसा आइडिया तो नहीं। मैनुअल है तो चाबी जाती है। लो गाइस, मैंने इसमें चाबी अंदर को डाल दी, स्टार्ट भी ये हो गई है। अब हम इसमें बैक कैमरा है, अच्छा लगवान है इसमें। गाइस में रेडू चल गया, रेडू रेडू चल गया उसमें। अरे देख, टायर प्रेशर गलत दिखा रहा है सबका, अभी वहाँ पे वो कर रहा है, तो क्या डेस्टिनेशन तुम्हारा कुछ, तूने ठोक लगाया ना तो उसका सेंसर बिगड़ गए, यानी तो गाड़ी पे फेस नई गाड़ी ठोक दी है एंगल, देखो पहले निकाल ले बाहर। तो अपनी अब मैं एक चीज बता रहा हूँ, हैंडल बिल्कुल छोड़ना मत, हमने अभी रिवर्स नहीं लगा, रिवर्स नहीं लगाना, उठा के होता है, लगा नहीं लगा, इसको रिवर्स गियर डालना नहीं आता। अरे लग गया, अब लगा है, चलो हैंडल छोड़ना मत बिल्कुल भी, और यहाँ पे सीधा हो रहा है बस, हैंडल ये है। हाँ ये सीधा है भाई, मैं घर से ऐसा लाया हूँ ना आज, इसको भाई खाई में चले गया, खाई में क्यों कर दिए, रिवर्स बता रहा ना, सेंसर है उसका पीछे, बड़ी खतरनाक है भाई ये, सच भी याद ये है। अच्छा सॉरी, ये तो मैं ही भूल गया था, तो लगा हुआ है हैंड ब्रेक, हैंड ब्रेक लगा के मैं उसको बैक गियर में डाल रहा हूँ। यार मेरी गाड़ी में बहुत सारे ऑटोमेटिक फीचर है, इसमें तो मैं समझ नहीं आ रहा कहाँ जा रही है। चल चल चल, वैसे तो कहीं भी चली जाएगी, क्या ही दिक्कत है दोबारा ठोक दूंगा दोबारा। बेटा पीछे क्या है, अब देख, अब उधर को काट लेना, आगे बंद हो गई, नहीं नहीं ऑन है, बस रोक ले जीजू, नई गाड़ी ये लग गया बैग, नहीं नहीं लगा, ऊपर उठाना इसको, कहाँ से ऊपर, अच्छा इसको उठाऊं, अच्छा जैसे ओए अरे बड़े भांजे को देखना, इतना शौक है गाड़ी बैठने का, वो देखो आ जा इसको ले चल ले, ये हमने तुम्हें भांजे से मिला, रोक के चलना, ये तिरछी तिरछी भागी, हमने पहले आगे निकल लेते हैं, कहाँ से सीधा नीचे होता है इसका शीशा ही है, यहाँ से आ जा, देखो हमारा भांजा आता हुआ, भांजे हाँ ठोक लाया दिन ने, नई गाड़ी फोड़ दी, नई गाड़ी तेली फोड़ दी, ठोक दी लेने की देर थी मन की रीति भयंकर, मन की आ जा, तो वो साइड में नहीं होते, मामा जा रहा है गाड़ी में, पत्थर की डिवाइडर में घुसा दी, आप पीपी आ गाड़ी में, पीपी मेरे पास आ तू, बाबू ये आ जा, डिवाइडर हमारी वाह, बस देख देख देखिए देख हमारी पूरी वाली, चल पकड़ हैंडल पकड़, चल आए चल, अरे इसको हाँ चल तो सही, तो क्या आगे देख, आगे देख, आगे देख, हॉर्न बजा, बस अरे इसको पकड़, अब जैसे अगर अब देख हैंडल छोड़ हल्का सा, पापा को भूल जा, तू मामा के पास है, मैं तेरा सकुनी मामा हूँ, सकुनी मामा
देखे गाड़ी खराब है तेरे को प्लान बना के लेके आए हम तू गाड़ी ठोएगा सारे इंजाम तेरे ऊपर छोड़ अब छोड़ तिरसी जाएगी इंजाम तेरे ऊपर देख इधर को जा रही ना तेज ले चल 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 पी 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 चले ए भाई साहब भांजे करना नहीं है जिंदगी में एक गाड़ी सामने खड़ी है थार एक ही है देख और ही थार ये फर्स्ट क्लास नहीं ये मजा आया ये बे पापा ऑलराइट गाइस ये इसका जो सीधा हैंडल है ये ऐसे जब होता है अभी ये सीधा है अभी इसका हैंडल सीधा है अगर आप सोचे हो कि इसको मैं बीच में करूँगा अगर मैं बीच में करूँगा तो मेरी गाड़ी उस साइड को चली जाएगी क्योंकि ठुक रखी तो इसका पूरा अलाइनमेंट बिगड़ गया लेकिन हाइट अच्छी खासी है ठीक है मतलब बढ़िया है चलाने में आपको कुछ फील नहीं होता क्योंकि ऊँची है गाड़ी तो गड्ढे वड्ढे का ज़्यादा इसमें फील नहीं होता है सही है अब इसको लेके जाता हूँ अंदर कॉम्प्लेक्स में वहाँ करता हूँ पार्क फिर चाय कॉफ़ी कुछ खाता हूँ फाइनली गाइस अपन गाड़ी वाड़ी चला के बढ़िया मस्त एक तरफा भाग रही थी मैंने आपको दिखाया तिरछा भाग रही है उसका काम हम होगा ठोक दिया उस पर नंबर वंबर भी नहीं आया पहली गाड़ी फोड़ फाड़ दी है ना कि गाँव में हमारे उधर गाँव के साइड में ऐसी होते हैं रोड वोड ना कच्चे अच्छे सड़क में थोड़ा ही फोड़ फाड़ दी हो अभी ठीक हो जाएगी हो कल शायद तो सर्विसिंग के लिए देंगे उसको एक दो एक हफ्ता लगेगा या 15 दिन लगेंगे 5 दिन लगेंगे 10 दिन लगेंगे देखते हैं फिट ही हो जाएगा है ना बट मज़ा आता है चलाने में ऊंची ऊंची रहती है थोड़ा सा गाड़ी ऊंची है बढ़िया मज़ा आता है बट वो कम्फर्ट वाला जो अपने क्या बोलते हैं थोड़ा सा उसमें मिलता है ना हैरियर और उसकी हाई रेंज वाली गाड़ी में कम्फर्ट रहता है बाकी फीचर्स रहते हैं बट ये टफ होती हैं ये वाली जैसे आप थार है ये ऑफ रोडिंग के पर्पज़ से ज़्यादा बनी है टफ गाड़ी होती है ना तो कम्फर्ट जिसमें टफनेस होगी जो आप क्या है ना उसको ड्यूरेबल कह सकते हो उसको या मतलब ऑल वेदर कह सकते हो कि भाई ऑल कंडीशन में चला दो गाड़ी को उस टाइम में कुछ गाड़ियों का नॉलेज है नहीं बट अपने को नॉलेज लेके करना क्या है जब मन चाहे तब ले लो क्यों मतलब ले सकते हैं लेकिन नॉलेज लेके कुछ करना नहीं है बट इनके अंदर वाली होती है ना ये ऑफ रोड चल जाए तो उस टाइप की होती है तो इनमें कम्फर्टेबल चीज़ें नहीं होती है कम्फर्ट नहीं होता है लेकिन जो नॉर्मल गाड़ी जो हाईवेज पर चलने के लिए ही प्रॉपर बनी हुई है उनके अंदर कम्फर्ट बहुत अच्छा होता है फीचर्स बहुत अच्छे होते हैं तो दोनों का अपना अपना अलग मजा है ओके तो मजा आया अभी कल देखेंगे उसको कैसा काम उसमें करेंगे कहाँ का आई थिंक उसका इंश्योरेंस वगैरह का ही वो क्लेम होगा पार्ट चेंज होगा और कुछ नहीं ठीक हो जाएगा रिपेयर हो जाएगा बस हैंडल जब गाड़ी का टायर ठुकता है कहीं पे तो डिसबैलेंस हो जाता है ना पूरा अलाइनमेंट बिगड़ जाता है बाकी मज़ा आया गाड़ी में चलाने में बड़ा मस्त मज़ा आता है वैसे तो मैं बहुत चलाता हूँ बहुत चलाई है बट ये वाली जो रियर व्हील ड्राइव है मैंने आई थिंक फर्स्ट टाइम चलाई सही यही सही को ऐसा डिफरेंस जैसा नहीं लगा मुझे बस ये कि थोड़ा सा 4x4 का अलग एक होता है इसका इसमें 4x4 सिस्टम नहीं है बट ये फील वही देता है ठीक है तो यही था आज के लिए आज के व्लॉग पे और बाकी जो अपना प्रॉफिट लॉस है वो आपको सेंसिबल पर देखने को मिल जाएगा जिसको नहीं पता होता है सेंसिबल क्या होता है सेंसिबल क्या है जो भी है सेंसिबल वो ज़्यादा से कनेक्टेड होता है उसमें ऐसे पब्लिक करके डाल देते हैं हम जो हमारा डेली के लॉस एंड प्रॉफिट होते हैं वो आप पब्लिकली देख सकते हो नीचे लिंक उनके कहीं दिया होगा है ना डेली वो वेरीफाइड पी एन एल बाय सेंसफुल उसको आप चेक करके देख सकते हो डेली जो रहता है उसमें बाकी धन का तो यार जब मेरी लाइव ट्रेडिंग होती है उसी में मेरे मेजर ट्रेड्स रहते हैं अदरवाइज 5-7,000-10,000 रुपये में छोटा मोटा करता हूँ जब लाइट ट्रेड रिकॉर्ड करता हूँ तभी मैं उसको करता हूँ अदरवाइज नहीं करता हूँ उसका जो भी होता है उस वीडियो के नीचे लिंक मैं डाल के आपको दे देता हूँ ठीक है यही है बाकी अब देखते हैं कल का मार्केट क्या रहेगा ठीक है तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में टिल देन बाय बाय।